We have completed our chapter, so today we are going to discuss about exercise of this chapter. Okay, so today we are going to do practices of this chapter. Now our first question is pick the correct. So in this first we have tiny pores on the lower surface of leaf are. Okay, leaf ka jo lower surface hota hai uspe jo टीनी पोर्स होते हैं या फिर टाइनी पोर्स जो होते हैं टीनी पोर्स होते हैं उन पोर्स को आप क्या कहोगे दैट इज नाउन एज स्टोमेटा. ओके स्टोमेटा. नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. ओके ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है दिस इज एयर. ओके दिस इज एयर. नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके कुछ ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं उनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है इज नॉट रिक्वायर्ड. इनमें से कौन सी चीज है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं है. ओके सो दिस इज ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की अपने को नीड नहीं होती है जो फोटोसिंथेसिस होता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन. जो गार्ड सेल्स हैं वो किसमें प्रेजेंट होती है एज आई टोल्ड यू अबाउट स्टोमेटा जिसमें इस तरह से जो सेल है वो प्रेजेंट होते हैं ये क्या बनाती है स्टोमेटा बनाती है. तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स ये क्या है गार्ड सेल्स. तो गार्ड सेल किसमें प्रेजेंट होती है इन स्टोमेटा. नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके जो आपको यहाँ पे मशरूम वीस्ट वीनस फ्लाइट्रिप लाइक है इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है. इंसेक्टिवोरस प्लांट का मीन क्या हो गया ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ईट करता है. तो इस टाइप का जो प्लांट अपना उसको आप क्या कहोगे विनस फ्लाइट्रेट. ओके विनस फ्लाइट्रेट. नेक्स्ट वी हैव इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके तो आपको क्या करना है ये फिल करना है इसमें. सो फर्स्ट वी हैव इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ आयोडीन. तो आप जब भी लीफ के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करोगे तो किसकी हेल्प से करोगे आयोडीन. नेक्स्ट वी हैव इज डिराइव योर फूड फ्रॉम अदर्स. तो अदर्स जो हैं दूसरे एनिमल से अपना फूड कौन गेन करते हैं ये टेरोट्रॉप्स क्योंकि ऑटोट्रॉप्स तो सेल्फ डिपेंड होते हैं वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज इन फोटोसिंथेसिस सन्स एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉर्ड. फोटोसिंथेसिस में सन की जो एनर्जी होती है वो कौन कैप्चर करता है सो दिस इज नाउन एज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इसको करता है. नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम सॉइल. तो प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल से लेते हैं किसकी फॉर्म में फर्टिलाइजर की फॉर्म में. अंडरस्टैंड. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट वी हैव प्लांट इज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग बैटर आर कॉल्ड. ओके ऐसे प्लांट जो अपना फूड डेड एंड डीकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं तो इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे वी कैन कॉल देम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. ओके वी कैन कॉल देम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रू और फॉल्स. ओके तो ये स्टेटमेंट आपको जो दिए हुए हैं उनमें आपको बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा फॉल्स है. सो फर्स्ट वी हैव इज प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर वाटर एंड लाइट. तो जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वाटर एंड लाइट जो है वो अपने को एज ए प्रोडक्ट मिलता है. ओके सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट यू हैव इज टीनी ओपनिंग प्रेजेंट इन लीव सरफेस इज कॉल्ड स्टोमेटा. जो लीव है उसमें टीनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं. ओके लीव के ऊपर टीनी पॉर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहेंगे स्टोमेटा. सो दिस इज ऑल्सो नाउन एज ट्रू. नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट्स कैन यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. प्लांट्स जो हैं कैन यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. एज वी ऑल नो दैट जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है इट मीन्स गैस फॉर्म जो है नाइट्रोजन की जब आपको उसको यूज करना है तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में अपन ने स्टडी किया था. ठीक है तो प्लांट्स कांट यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस डायरेक्टली. ठीक है डायरेक्टली गैस की फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकते. सो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया रॉन्ग दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट वी हैव इज ब्रेड मोल्ड इज ए सैप्रोफाइट. जो ब्रेड मोल्ड है वो एक सैप्रोफाइट है. दिस इज ऑल्सो नाउन एज ट्रू.
Next we have is saprophytes can't manufacture their food by photosynthesis. Saprophytes जो है वो अपना food photosynthesis की help से photosynthesis से अपना food खुद से prepare नहीं कर पाते. So this is also true. Okay. Next we have is match the column A with column B. Okay. Now fungi. तो fungi जो है वो क्या है saprophyte है. Next we have is अमरबेल. अमरबेल क्या होगी parasite. ठीक है जो येलो कलर की होती है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता और इसीलिए ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट वी हैव इज पिक्चर प्लांट. तो पिक्चर प्लांट जो है वो क्या है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है. नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट्स फूड फैक्ट्री. प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है वो क्या हो गई लीफ. ओके सो सॉरी वी हैव लेफ्ट वन. तो एनिमल्स जो है वो क्या होते हैं हेटेरोट्रॉप्स क्योंकि वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. प्लांट्स पे डिपेंड करता है. प्लांट की फूड फैक्टर क्या हो गई लीफ. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. सो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज हैं ओके वो क्या हो गई लीव्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज स्टीमी पॉड्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स. लीव्स के अंदर जो टीनी पॉड्स होते हैं विच एलो गैसेस टू पास इन और आउट. जो टीनी पॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं गैसेस को एलो करते हैं कि ये गैसेस पास इन हो सके और आउट हो सके. तो इस टाइप की अपनी ये जो टीनी पॉड्स इनको हम क्या कहेंगे स्टोमेटा. नेक्स्ट वी हैव इज एन ऑर्गेनिज्म विच लीव्स ऑन और इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट फूड. फूड गैन करने के लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं या तो किसी अदर बॉडी के ऊपर या फिर उस बॉडी के अंदर डिपेंड करते हैं उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं. ठीक है तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म उनका हम क्या कहेंगे पैरासाइट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज मैड ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको बनाने की जो प्रोसेस है वो अपनी क्या हो गई कंपोस्ट. नेक्स्ट वी हैव इज ए बैक्टीरिया विच लाइक इन रूट नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स. ऐसे बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं कुछ प्लांट्स की उन बैक्टीरियाज को हम क्या कहेंगे राइजोबियम. ओके सो दिस इज नाउन एज राइजोबियम. नेक्स्ट वी हैव इज आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके सो फर्स्ट वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके सो अपने को क्या करना है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है. ओके सो नाउ एज यू कैन सी हियर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स और इनको आप ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हो. एज दे कैन और क्यों बोलोगे एज दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड क्योंकि अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय टेकिंग इन सिंपल सब्सटेंसेस. सिंपल सब्सटेंसेस को लेके ही ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके तो ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे फोटोसिंथेसिस. सो फोटो मीन्स लाइट तो इनको लाइट की नीड होती है. सिंथेसिस मीन्स कंबाइन. ओके तो जो नॉर्मल जो सिंपल सब्सटेंसेस लेते हैं उनके साथ में लाइट को ये क्या करते हैं मिक्स करते हैं और कंबाइन करते हैं फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या हो गया सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं सॉइल से थ्रू देयर रूट्स टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. ओके तो ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड तो कहाँ से लेते हैं एयर से. ओके इन देयर रूट्स टू मेक फूड द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. इनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल एंड एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. और एनर्जी ये कहाँ से लेते हैं सनलाइट से. दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड. ओके इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय यूटिलाइजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ओके एनवायरमेंट से ये फूड प्रिपेयर करते हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे
वी कैन कॉल देम ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स क्या हो गया, सेल्फ, एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट. जो प्लांट्स सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, इट मीन्स ये अपने फूड पे क्या होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स. ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ सनलाइट देयर फूड सिंथेसिस, सॉरी सिंथेसिस देयर फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर करने में कैपेबल नहीं होते हैं, इस टाइप के प्लांट्स को एंड एनिमल्स को, एंड आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. इस टाइप के प्लांट एंड एनिमल्स जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए. रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कहोगे, हेटेरोट्रॉप्स. सो लाइक हिटेरो मीन्स अदर्स एंड ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. और ये जो हिटेरोट्रॉप्स हैं उनमें ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है. बिलोंग टू दिस कैटेगरी, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नाउन एज हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, और इसी कैटेगरी को अपन क्या कहेंगे, इस टाइप के जो भी एनिमल्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इनमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस. तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, सनलाइट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ओके फॉर फोटोसिंथेसिस. तो जब भी फोटोसिंथेसिस करना है तो क्या होगा, अपने को मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए मेजर सोर्स आपके पास क्या है, सनलाइट. लीव्स आर द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. लीव्स जो है वो एक ऐसी साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, क्योंकि लीव्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को कैप्चर करता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज लीव्स हैव सम स्पेशल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. लीव्स जो है उसमें एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसको आप क्या कहोगे, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. ओके, इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, और ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये ही हेल्प करता है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी. और इस सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, विच इज देन यूज्ड टू प्रिपेयर फूड. और फिर आगे ये क्या होता है, फूड प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है. ओके, सम प्लांट्स लाइक कैक्टी डू नॉट हैव एनी लीव्स. कुछ प्लांट्स लाइक कैक्टी, इसका एग्जाम्पल हो गया, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, इनमें किसी भी तरह की जो लीव्स हैं वो नहीं होते हैं. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग देयर ग्रीन स्टेम, बट इनकी जो स्टीम होती है वो ग्रीन होती है और उसका यूज करके इनमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है. अंडरस्टैंड. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. तो जो गार्ड सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क करते हैं वो. ओके, नाउ सो दे आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स. जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, अंडर साइड ऑफ लीव्स, लीव्स की अंडर साइड ये प्रेजेंट होते हैं. ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल. ओके, एज आई टोल्ड यू, ये क्या होता है, स्टोमा होता है, और इसमें ये इस तरह से जो गार्ड सेल है वो इसको सराउंड किए हुए होती है. अंडरस्टैंड. सो ईच स्टोमा, ये क्या हो गया, स्टोमा, और इसको कवर किसने किया हुआ है, इसको, ये क्या हो गई, गार्ड सेल. सो द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो ये जो गार्ड सेल है वो क्या करती है, स्टोमेटा को ओपन करने में और क्लोज करने में हेल्प करती है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. ओके, तो इसके लिए अपन ने एक्टिविटी देखी थी कि लीव्स के अंदर आप स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे चेक करोगे. ओके, सो प्लग ए हेल्दी ग्रीन लीव ऑफ ए प्लांट विच वॉज कैप्ट इन सनलाइट. ऐसा प्लांट जो सनलाइट में है उसकी हेल्दी ग्रीन लीव को आपको लेना है. ओके, बॉइल इट, आपको उसको बॉइल करना वाटर में. इन इट, इन द वाटर कंटेन ए बीकर फॉर अबाउट 2 मिनट. 2 मिनट तक आपको एक बीकर में वाटर में उसको बॉइल करना है. दिस विल मेक द लीव सॉफ्ट एंड स्टॉप एनी फर्दर केमिकल चेंजेस इन इट. तो अगर ऐसा आप करोगे तो ये क्या होगा, जो लीव है कि वो स्टॉप हो जाएगी. ओके, और आगे इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा. ओके,
पुट द लीड इन एक टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल. ओके, एक टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, उसमें एल्कोहल लेना है, उस एल्कोहल में आपको इस टेस्ट ट्यूब इस लीफ को डालना है. प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर और ऑफ बॉइलिंग वाटर. अब आपको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर में, जो बीकर अपन ने लिया था जिसमें बॉइलिंग वाटर है, उस वाटर में आपको डालना है. द एल्कोहल विल ब्लीच द लीफ एंड मेक इट फ्री फ्रॉम क्लोरोफिल. ओके, तो ये जो एल्कोहल है वो क्या कर, एल्कोहल क्या करेगा, इस लीफ को ब्लीच कर देगा. ओके, एंड क्लोरोफिल फ्री इसको बना देगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वॉश द लीफ इन वाटर, प्लेस इट इन द पैट्री डिश. फिर आपको क्या करना है, पैट्री डिश में जो अपन ने वाटर लिया हुआ है उसमें वॉश कर लेना है, इस लीफ को इस वाटर में डाल के पैट्री डिश में वाटर लेना है, उस वाटर में इसको वॉश कर लेना. एंड एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. और आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की लेनी है. द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक विच शॉज. और ये जो आपकी लीव है वो क्या हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न्स हो जाएगी, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट. अब ब्लू ब्लैक कलर इसका हो गया, इट मीन्स दैट जो ब्लू ब्लैक कलर है वो क्या करेगा, स्टार्च को इंडिकेट करता है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. ओके, तो जो लीव्स हैं उनमें वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसफर होता है. ओके, कौन हेल्प करता है. सो नाउ और नेक्स्ट वी हैव इज, सो एज यू कैन सी हियर, फिफ्थ आंसर, इट इज द एब्जॉर्ब, इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल. ओके, एज यू नो दैट रूट्स जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर एंड मिनरल्स को, बाय स्मॉल रूट हेयर्स इन द ग्राउंड. ओके, ग्राउंड में जो स्मॉल रूट्स हैं, रूट्स हेयर होते हैं, वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे आर स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम. और उनमें क्या होता है, स्पेशल कंडक्ट जो अपनी लीव्स होती है इस तरह से, तो उन जो रूट्स होती है इस तरह से. ओके, ये क्या हो गई इनकी जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इनकी क्या हो गई, बड़ी स्ट्रक्चर हो गई. तो इसमें इस तरह से ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. और ये जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जाइलम, विच कैरीज वाटर टू द फूड मेकिंग सेल इन द लीव्स. ये क्या करते हैं, जो फूड मेकिंग सेल्स हैं उनको यहाँ से कैरी करते हैं, वाटर टू द फूड, वाटर को कैरी करते हैं फूड मेकिंग सेल्स. फूड मेकिंग सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है, यूजिंग द स्टार्टेड एनर्जी इन द क्लोरोप्लास्ट थ्रू ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस द फूड ग्लूकोज. ओके, और ये क्या करते हैं, जो एनर्जी स्टोर्ड की हुई उसका यूज करते हैं. ओके, और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है. नाउ द ग्लूकोज इज देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब ये जो थ्रू स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स, ओके, तो अब ये जो ग्लूकोज इसमें अपनी लीव्स में बना है, ये ग्लूकोज क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, जो स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स है, जो स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स है जिसको हम क्या कहेंगे, फ्लोएम. तो जिस तरह से इन रूट और स्टीम में जाइलम होता है वैसे ही फ्लोएम होता है, वैसे ही ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर फ्लोएम होती है. और ये फ्लोएम क्या करता है, ये जो बना हुआ फूड अपना ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को ये क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में इसको ट्रांसफर कर देता है. अंडरस्टैंड. सो ये क्या हो गई, अपनी प्रोसेस हो गई, जिससे वाटर एंड मिनरल्स क्या करता है, पूरे पार्ट्स में, प्लांट पार्ट्स ऑफ ऑल प्लांट इसमें पहुंच जाता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पैरासाइटिक प्लांट. ओके, जो पैरासाइटिक प्लांट है उससे आप क्या समझते हो, इसको आपको डिफाइन करना है. ओके, एक्सप्लेन करना है, गिव एन एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल, और आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देना है. अंडरस्टैंड. नाउ एज यू कैन सी हियर, ओके, सो पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो पैरासाइट्स हैं ये अपना न्यूट्रिशन कहां से ऑब्टेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट क्या करते हैं, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. ओके, द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच, लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ए पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड. ओके,
ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से डिराइव करते हैं, इट्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो पैरासाइट जहाँ से अपना फूड लेते हैं उनको आप क्या कहोगे, होस्ट। इट मीन्स जिस पे ये डिपेंड करते हैं उनको आप क्या कहोगे, होस्ट। ए पैरासाइट लिव्स इन और ऑन द बॉडी ऑफ इट्स होस्ट। पैरासाइट क्या करते हैं, या तो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उस बॉडी के अंदर रहते हैं। द पैरासाइटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टेरियम। और ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, ओके, इनमें स्पेशल रूट्स डेवलप होते हैं जिसको आप क्या कहोगे, जिसकी वजह से ये दूसरे जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे ये अटैच होते हैं, कॉल्ड होस्टोरियम। और इस स्पेशल रूट को हम क्या कहेंगे, होस्टोरियम, विच पेनेट्रेट इनटू द टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट। जो क्या करती है, होस्ट प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उसमें पेनेट्रेट हो जाती है। ओके, उसमें क्या होते हैं, ये एंटर कर जाते हैं, ठीक है, जिससे ये उसे कनेक्ट करते हैं, होस्ट प्लांट। नेक्स्ट वी हैव इज द प्रिपेयर्ड फूड इज जनरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट और द स्टीम ऑफ द होस्ट प्लांट। ओके, और ये जो प्रिपेयर्ड फूड है ये जनरली एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द रूट, रूट इनको जनरली एब्जॉर्ब करते हैं, और द स्टीम ऑफ द होस्ट प्लांट, या फिर स्टीम इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द पैरासाइट डिप्राइव्स इट्स होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और ये जो पैरासाइट है डिप्राइव इट्स होस्ट टू वैल्यूएबल, ये क्या करता है अपने होस्ट को वैल्यूएबल न्यूट्रिशन जो है वो इससे डिप्राइव करता रहता है, इससे लेता रहता है। लाइक डोडर, इसका एग्जाम्पल अपने पास में क्या हो गया, डोडर प्लांट। तो डोडर प्लांट जो है वो इसी तरह का प्लांट है, ये क्या करता है न्यूट्रिशन अपने अदर प्लांट्स, अपने होस्ट प्लांट से लेता रहता है। तो जिससे ये न्यूट्रिशन लेता है वो तो क्या हो गया, अपना होस्ट हो गया, और जो न्यूट्रिशन लेता है इट मीन्स डोडर प्लांट, तो डोडर प्लांट क्या हो गया आपका, पैरासाइट। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।